प्रेगनेंसी में आपको पता ही नहीं चलता कब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होती ही है। तो हम कैसे जाने कि हमारी प्रॉब्लम कब शुरू हो रही है, क्या क्या लक्षण है? तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है प्रेगनेंसी में, कमजोरी की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो लक्षण है क्या, उन लक्षणों को आप समझ जाती हैं तो आप प्रॉब्लम को जल्दी से हैंडल कर लेती हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आज आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब के लिए हमने अपना डाइट क्लिनिक लॉन्च किया है। तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आप वहाँ हमसे मिलें। क्या खास है प्रेरणास डाइट क्लिनिक में वो आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली की कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसको हम न्यूट्रिशनल थेरेपी से सॉल्व करना सिखाएंगे। कुकिंग कैसे करनी है उस डिजीज में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूरी थेरेपी में वहाँ पर भी डिजीज स्पेसिफिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आपको कमजोरी रह रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रही कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं किस वजह से, तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि आपकी आईज ओपन करेंगे और बताएंगे कि यस अब आपको खुद पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उसको कैसे सुधारना है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आप सीख सकते हैं। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, यूट्यूब मॉम चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, सो हमसे जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे टच कर दीजिए। सो कमजोरी के लक्षण है क्या, कई बार आपने देखा है कि प्रेग्नेंट है अगर आप तो आपकी सांस बड़ी फूलती है, दो तीन काम कर लिए, थोड़ा सा चल लिए और आपकी सांस फूलने लगी, तो हो सकता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, सामान्य रूप से कहें तो खून की कमी हो सकती है। और खून की कमी होना कहीं ना कहीं आपके बच्चे तक पोषण पहुंचाने में भी समस्या पैदा कर सकती है। कई बार खून की भारी कमी होने की वजह से, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा लो होने से मिसकैरेज भी महिलाओं को होता है, ऐसा कई बार देखा गया। तो खून की कमी ना होने दें, इससे थकान रहेगी और आपका ब्लड ही तो है जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन आपके बच्चे तक पहुंचाता है। खून की कमी आपको नहीं होने देना, आयरन युक्त फूड खाने, खून कैसे बढ़ाना है विद इन 7 डेज, इतने सिंपल आइडियाज हैं कि आप उसे सरलता से कर सकते हैं। तो आप हमारा खून बढ़ाने के ऊपर जो वीडियो है वो जरूर देखें। कई बार प्रेग्नेंट मॉम्स को हाथ और पैरों में मसल्स में बहुत दर्द रहता है, ऐसा लगता है हड्डियां दर्द कर रही हैं, क्या करें, ना तो उठने का मन करता है ना काम करने का मन करता है। तो तुरंत आपको एक टेस्ट कराना चाहिए, कैल्शियम विटामिन D3 का, ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तो कैल्शियम विटामिन D3 और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हाथ पैरों में और मसल्स में दर्द होता है। देखिए प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, तो आपको उसके मुताबिक डाइट और सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर आप डेरीज नहीं लेती हैं, नट सीड्स नहीं खाती हैं, टैबलेट्स भी अगर आप नहीं ले रही हैं तो आपकी बोन्स में पेन होना स्वाभाविक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो ये भी एक तरह की कमजोरी है, ये बताता है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपने इसको हैंडल ही नहीं किया प्रेगनेंसी में। तो प्रीक्लैम्प्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऐसे बहुत सारे इश्यू होते हैं, पैरों में सूजन, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो समय रहते अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लीजिए। भूख ही नहीं लगती, हाथ पैरों में झुनझुनाहट रहती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, कोई भी खाना दे दो सामने अनिच्छा होती है खाने की, ये नॉर्मल फूड एवर्जन नहीं है प्रेगनेंसी का, ये बता रहा है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। जनरली चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप इलाज ले रहे हों, प्रेगनेंसी में कंसल्ट कर रहे हों, या आप प्राइवेट में दिखा रहे हों, आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लिए सप्लीमेंट्स और भूख ना लगना, हाथ पैरों में झुनझुनाहट होना, कन्फ्यूज़न होना, फोकस ना होना, ऐसी प्रॉब्लम है, चीज़ें याद ना रहना, भूल भूल जाना छोटी छोटी चीज़ों को, तो समझ जाइए कि डेफिशिएंसी है विटामिन की। तो डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, विटामिन सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर से बात करके लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी टैबलेट आप ऐसे ही नहीं ले सकते। प्रेग्नेंट मॉमीज को प्रेगनेंसी में बार बार जुकाम लग रहा है, कभी गले में खराश हो रहा है, कभी फीवर आ रहा है, ये बताता है कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है। अब इस इम्यूनिटी का क्या करें, क्या खाएं इस इम्यूनिटी के लिए, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड खाइए, जैसे अखरोट आप रोज खाइए, इसके साथ ही आंवले की कैंडी आप चूसिए, हर दिन खाना है, नींबू का इस्तेमाल करना है आपको, तो विटामिन सी का आप ज़्यादा प्रयोग कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।